पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। मंदबुद्धि लड़के के साथ चार युवकों ने मिलकर अप्राकृतिक यौनाचार किया है। इस मामले को लेकर पीड़ित लड़के के भाई ने शहर थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शहर थाना प्रभारी अभय सिन्हा ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले चार युवकों में से तीन युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक युवक अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सभी आरोपी जेल हाता के रहने वाले हैं। पूरे मामले में पीड़ित लड़के के भाई ने पुलिस को आवेदन देकर बताया कि बीते 6 फरवरी की रात आरोपी उसके भाई को बाइक से लेकर गए थे। रात में जेल हाता स्थित सरकारी विद्यालय में आरोपियों ने मंदबुद्धि लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। वसी युवकों ने अपनी दरिंदगी मिटाई और वहां से फरार हो गए। इधर पीड़ित लड़का घर आकर रोने लगा और पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित लड़के के पिता पलामू के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेदिनीनगर में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इधर मामले की प्राथमिकी दर्ज होते ही पलामू पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी राहुल कुमार बीकॉम का छात्र है, जबकि दो आरोपी मोहित कुमार और विशाल कुमार काम करते हैं। इस पूरे मामले में रोशन कुमार नामक एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही जेल हाता के इलाके में लोगों में आरोपी युवकों को लेकर काफी आक्रोश है।